नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बड़ी वारदात को अंजाम देने जुटे अपराधियों की योजना को पुलिस ने किया विफल। 6 अपराधी गिरफ्तार, 1 दर्जन बम बरामद। भागलपुर में चलती ऑटो से गिरे व्यक्ति को पिकअप ने रौंदा, हालत गंभीर, चालक गिरफ्तार। पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि को लेकर युवा कांग्रेस ने गाड़ी खींच कर जताया विरोध, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अविलंब नियुक्ति की मांग को लेकर पैनलधारियों ने किया प्रदर्शन, मांग पूरा नहीं होने पर आत्मदाह करने की दी चेतावनी। और बांका पुलिस ने ट्रक चालकों से लूटपाट करने वाले 3 अपराधी को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्र से अपराध की योजना बनाते 6 अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने 12 जिंदा बम, 3 पिस्टल, 1 मोटरसाइकिल और कई मोबाइल बरामद किया है। सोमवार को CTSP सुशांत कुमार सरोज ने पकड़े गए अपराधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। CTSP ने कहा कि तिलका मांझी और मोगलपुरा में कुछ अपराधियों के एक साथ जुटने और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 2 विशेष टीम का गठन किया गया। इस दौरान टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने मोगलपुरा इलाके में घेराबंदी कर 4 अपराधी को देसी बम के साथ दबोच लिया। वहीं तिलका मांझी क्षेत्र से भी 2 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। CTSP ने कहा कि पकड़े गए सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है और फिलहाल पुलिस इन बदमाशों से गहन पूछताछ कर रही है। देखिए, इधर लगातार सूचना मिल रही थी कुछ अपराधी शहर में इकट्ठा हो रहे हैं और कोई अपराध योजना बना रहे, तो कल ही हमने CTSP के नेतृत्व में 2 टीम बनाया था। इनके द्वारा 2 जगह छापामारी की गई थी अपने टीम के साथ। एक तो तिलका मांझी में कल गिरफ्तार हुआ था, 2 अपराधी हैं, 2 कंटेनमेंट आर्म्स था और वाहन साथ को पकड़ाया गया था शाम को। उसके बाद दूसरा सूचना मिला था कि मुगलपुरा थाना बबरगंज में कुछ अपराधी इकट्ठा हो गए, अपराध करने की योजना बना रहे। वहाँ भी थाना पहाड़ी बबरगंज CT DSP और अन्य पदाधिकारी साथ रेड किया गया। रेड करने क्रम में 4 कुख्यात अपराधी जिनका पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है, 3 ये कंटेनमेंट आर्म्स मिला है, 2 कार्टिजेज हैं और मोबाइल बरामद हुआ है और 3 गाड़ियां हैं, एक बुलेट गाड़ी और 2 वेस्पा स्कूटर है। इसके अलावा 12 बम, जिंदा बम भी मिला है। जो काफ़ी लोग योजना बना रहे थे कोई बड़ी घटना करें, लेकिन पुलिस तत्परता से उन घटना को टाल दी। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र दोगच्छी बाईपास के समीप सोमवार की दोपहर सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की पहचान नाथनगर भुआलपुर निवासी मदन मंडल के रूप में हुई है। घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक नाथनगर की ओर से आ रही ऑटो के पीछे लटक कर अपने घर जा रहा था, तभी युवक का हाथ ऑटो से फिसल गया और वह सड़क पर गिर गया। इसी दौरान सुल्तानगंज की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप वैन ने युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक का दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना नाथनगर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही चालक को हिरासत में लेकर पिकअप वैन जब्त कर लिया है। जिला युवा कांग्रेस की ओर से पेट्रोल एवं डीजल की कीमत में हो रही बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। कचहरी चौक पेट्रोल पंप से कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को रस्सियों से खींचा और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को खींचकर समाहरणालय मुख्य द्वार पर लाया और केंद्र सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया। बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि मोदी सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि कर जनता से जबरन वसूली कर रही है। आम जनता पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से त्रस्त हैं और सरकार लूटने में मस्त हैं। वहीं युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमित आनंद ने कहा कि मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की उत्पाद शुल्क से 18 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद देश में लगातार पेट्रोल डीजल की दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। इस मौके पर प्रशांत बनर्जी, मुजफ्फर अहमद, शाहिद हुसैन समेत काफ़ी संख्या में कांग्रेस के नेता मौजूद थे। विरोध पेट्रोल और डीजल की जो है बेतहाशा मूल्य वृद्धि सरकार ने बनने के साथ ही की है, जैसा कि ये वादा किया करते थे, हमेशा कहा करते थे कि हम डीजल और पेट्रोल का दाम कम कर देंगे,
उसके बजाय ये डबल कर दिए दाम कीमत इसका, गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, हर चीज़ का। आम आवाम को किस तरह से अभी दम घुट रहा है इस कोरोना महामारी में, ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोना के नाम पर ये टैक्स वसूली में लगे हैं। ये सर प्रधानमंत्री बोला करते थे कि कोरोना जो है इसको मौका, आपदा को इस मौका बनाते हैं, तो ये मौका बनाकर आम आवाम की पॉकेट को पॉकेटमारी कर रहे हैं, आम आवाम के पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं। जिस तरह से नोटबंदी के समय निकाले थे, आज भी ये हर, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे बस भाड़ा की वृद्धि हो, चाहे कीमत की वृद्धि हो, लगातार ये आम आवाम के पॉकेट से पैसा निकालने का काम कर रही है सरकार। जिले भर में बनाए 1000 पैनल धारियों की पैनल की अवधि समाप्त होने से पूर्व नियुक्ति करने की मांग को लेकर सोमवार को पैनल धारियों एवं युवा शक्ति की ओर से प्रदर्शन मार्च निकाला गया। प्रदर्शन मार्च भागलपुर संयुक्त भवन परिसर से निकाला गया, जो विभिन्न चौक चौराहों से होकर समाहरणालय परिसर पहुंचा और डीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पैनल धारियों ने हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने एवं पैनल धारियों की नियुक्ति करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही कहा कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इधर रानी लक्ष्मीबाई चौक पर युवा शक्ति एवं पैनल धारियों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और अविलंब मांग पूरी नहीं होने पर सामूहिक आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान लगातार बढ़ रहे पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को लेकर युवा शक्ति के जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगातार वृद्धि हो रही पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों से मिडिल क्लास एवं दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को खासा परेशानी होगी। 11 महीने से हम लोग डीएम साहब को रिक्वेस्ट विनती करते करते आज तक हम लोगों की नियुक्ति नहीं हुई। हाईकोर्ट का आदेश होने के बाद भी डीएम साहब जो वहाँ से 1 महीने का आदेश लिए, लेकिन आज तक ज्वाइनिंग नहीं कराए। अतः डीएम साहब से रिक्वेस्ट करते करते हम लोग आज समय अवधि समाप्त होने जा रही है, लेकिन डीएम साहब हमले की नियुक्ति नहीं कराई, कोर्ट के भी अवहेलना किया। बांका में ट्रक चालकों से लूटपाट करने निकले 3 बदमाशों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लुटेरों के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा और गोलियां बरामद की है। बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने पकड़े गए बदमाशों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। एसपी ने कहा कि नवादा गांव में अपराधी के जुटने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष ने महगामा हरना मोड़ के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाना शुरू किया। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने खदेड़कर तीनों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान तीनों के पास से हथियार बरामद हुआ। एसपी ने कहा कि पूछताछ के दौरान पकड़े गए बदमाशों ने अपने सहयोगियों के साथ ट्रक लूटकांड की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। एसपी ने बताया कि फिलहाल 2 अपराधी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जांच की प्रक्रिया अपराध नियंत्रण के लिए लगातार चल रही है। इसी क्रम में कल दिन में सूचना प्राप्त हुई कि भागलपुर का जगदीशपुर का एक कुख्यात और फरारी अपराधी रविंद्र यादव हमारे क्षेत्र में, रविंद्र सिंह क्षेत्र में है और कुछ अपराधी घटना को अंजाम देने वाला है। इसी आरोप में नवादा थाना क्षेत्र को विशेष रूप से अलर्ट किया गया, चूँकि लोकेशन उसके नवादा क्षेत्र में ही आने की सूचना मिल रही थी। इस आरोप में छापेमारी करते हुए सघन तलाशी शुरू किया गया। सघन वाहन जाँच के दौरान 2 लोग वाहन से नजर आए, 2 वाहन पे इसको पकड़ा गया, पकड़ने की कोशिश किया गया, तो एक वाहन पे 2 लोग फरार हो गए, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़ाए व्यक्ति के पास से 2 लोडेड देशी कट्टा मिला। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, non-AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर MD रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी MRI स्कैन।
मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा, डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच, डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG, अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था, लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। क्या आपको कान नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है, डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा ऑटो एकॉस्टिक इमिशन टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है, और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए AC नॉन AC जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट चंपा नगर भागलपुर। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाए तो मास्क लगा के जाए। किसी को खांसी सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आंख नाक मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हत्या जैसी संगीन घटनाओं को अंजाम देने के लिए जुटे अपराधियों की योजना को तिलका मांझी पुलिस ने विफल कर दिया। रविवार की देर रात थाना से कुछ दूरी पर अपराधियों के जमा होने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके सहयोगी पुलिस को देखते ही भागने में सफल हो गए। पकड़े गए अपराधी के पास से पुलिस ने 1 देसी पिस्टल और 5 गोलियां बरामद की है। DSP राजवंश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पकड़ा गया अपराधी राहुल सिंह खलीपाबाग चौक का रहने वाला है और कुछ दिन पूर्व जेल से छूटकर बाहर आया था। DSP ने कहा कि अपराधी राहुल सिंह हत्या की घटना को अंजाम देने वाला था, जिसके मंसूबे को पुलिस ने विफल कर दिया। संध्या करीब 7:15 बजे तिलका मांझी चौक से थोड़ा पूरब दो लोग एक मोटरसाइकिल से अपराध की योजना बना रहे हैं। उनके पास हथियार है और कोई भी लूट या हत्या के इरादे से आए हैं, ये सूचना प्राप्त हुई थाना को। इस सूचना पर थानाध्यक्ष तिलका मांझी अपने सहयोगियों के साथ त्वरित कार्रवाई किए और एक आदमी को गिरफ्तार किए। एक दूसरा आदमी भागने में सफल रहा। जो गिरफ्तार हुआ उसके पास से पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल और कुल 5 गोली बरामद किया और पूछताछ में इसने अपना नाम राहुल सिंह खलीफाबाग चौक बताया। जैसी जानकारी इसने दिया, ये 2 बार पहले भी जेल जा चुका है और पूछताछ से स्पष्ट हो रहा है कि ये किसी गंभीर अपराध के लिए यहाँ खड़ा था। संभवतः ये किसी टारगेटेड आदमी की हत्या करता या डकैती करता। गाड़ी पर पैसा तो नहीं था। निश्चित रूप से मुझे जो पूछताछ से पता चला है, ये टारगेटेड क्राइम था, लेकिन इसके पहले ही त्वरित कार्रवाई करते हुए तिलका मांझी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। देश भर में पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर नगर विधायक अजीत शर्मा के नेतृत्व में सोमवार को भागलपुर समाहरणालय मुख्य द्वार के समीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया।
इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीजल एवं पेट्रोल कीमत वृद्धि के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर कोरोना काल में जनता को लूटने का आरोप लगाया। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल डीजल की कीमत नियंत्रित थी, जबकि मोदी सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल में कीमत आसमान छूती जा रही है। इस दौरान विधायक ने कहा कि जनता त्राहिमाम है और जल्द ही सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमत को कम नहीं किया तो आंदोलन और तेज हो जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर अभय आनंद, संजय सिन्हा, सोइन अंसारी समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। पेट्रोल की कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है और हम आग्रह करना चाहते हैं कि आज क्रूड ऑयल का कीमत पूरे इंटरनेशनल मार्केट में $41 प्रति बैरल है। जिस समय कांग्रेस की सरकार होती थी उस समय $100 प्रति बैरल से अधिक था, फिर भी कांग्रेस ने डीजल और पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुआ। उस समय आप देखेंगे डीजल और पेट्रोल की कीमत में 18 से 20 रुपये का फर्क होता था। चूँकि किसानों को डीजल देना पड़ता है खेती के लिए, उसका रेट हमेशा कम होता था। आज उनकी सरकार में डीजल और पेट्रोल का कीमत एक हो गया है और इस महामारी में भी उन्होंने 10 रुपया लीटर प्रति लीटर पर रेट बढ़ाने का काम किया है। बांका बेलहर के विधायक रामदेव यादव ने फुल्ली डुमर प्रखंड के विभिन्न गांव का दौरा किया और क्षेत्र की जन समस्याओं की जानकारी ग्रामीणों से ली। इस दौरान विधायक ने पड़ावचक, आमा टीकर, तेलिया मोड़, नवगाय, नगरी एवं सुराहा गाँव पहुँचे। वहीं ग्रामीणों ने आमा टीकर में विद्यालय खुलवाने के साथ बिजली, पानी, सड़क एवं खेती से संबंधित समस्याओं का समाधान करने की मांग की। वहीं विधायक ने तेलिया कैथा बहियार में स्ट्रेट बोरिंग की अनुशंसा कर तत्काल समस्या का समाधान करने का निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया। इस दौरान विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में एक भी गाँव सड़क से वंचित नहीं रहेगा, सभी गाँव एवं टोला को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा। कई सड़क निर्माण के लिए DPR तैयार हो चुका है, जबकि कई सड़क टेंडर की प्रक्रिया में है। साथ ही विधायक रामदेव यादव ने कहा कि क्षेत्र एवं जनता की समस्या को ध्यान में रखकर विकास कार्य जारी है, जिससे शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुविधाओं का विस्तार हो सके। इस मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष परमानंद मंडल, महामंत्री अमरेंद्र कुमार यादव, मंजू देवी, पंकज सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। हर प्रखंड में मैं सघन दौरा कर रहा हूँ और आम जनता से रूबरू हो रहा हूँ, उनकी जन समस्या को सुन रहा हूं और उनके निदान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बिहार सरकार को, जिलाधिकारी को, DDC को, तमाम विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, बिजली विभाग को, जल संसाधन विभाग को, कृषि विभाग को, सभी विकास कार्य को गति लाने के लिए मैं उन पर दबाव बना रहा हूं। डीजल एवं पेट्रोल के मूल्यों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर सोमवार को नाथनगर के चंपानगर मदनी चौक पर राजद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बढ़े हुए मूल्य को वापस लेने की मांग की। पुतला दहन का नेतृत्व राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने से जरूरी सामानों की कीमतों में भी वृद्धि होगी, जिसका खामियाजा आम जनता को झेलना पड़ेगा। मौके पर सचितानंद शर्मा, छत्रधारी मंडल, अय्याज अली, मंजीत ठाकुर सहित कई राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत के इतिहास में पहली बार पेट्रोल से ज़्यादा कीमत डीजल का हो गया, जो दर्शाता है कि ये सरकार किसान विरोधी है। डीजल के दामों में वृद्धि होने से किसान खेत में पटवन नहीं कर सकेगा, खेत का जुताई नहीं कर सकेगा, ट्रैक्टर में डीजल जलता है और मशीन में डीजल जलता है। इससे यह जाहिर होता है कि यह सरकार किसान विरोधी है। डीजल के मूल्यों में वृद्धि होने से आम रोजमर्रे की जो वस्तुएं हैं सब चीज़ का आयात शुल्क बढ़ जाएगा और सब चीज़ की महंगाई बढ़ जाएगी। आज हम लोग डीजल पेट्रोल का जो दाम बढ़ गया है उसी को लेकर के हम लोग पुतला दहन करेंगे। बहुत परेशानी है, इतना किसान को, किसान का अभी जो है पटवन होना है, यदि बिगड़ा लगना है वहाँ पर डीजल का जरूरत है, मतलब इतना महंगा कर दिया कि पेट्रोल से अधिक डीजल का कर दाम पे बढ़ा दिया। समझिए कि सरकार कहता है किसान के हम सपोर्ट कर रहे हैं, इन किसान का विरोध कर रहे हैं, इसलिए कर हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। बरसात के मौसम में हल्की बारिश होने पर ही शहर की सड़कों पर पानी बहने लगती है, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
हालत तब और बदतर हो जाती है जब सड़कों पर नाली का पानी बहता है और राहगीरों को नाले की बदबूदार पानी से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन नगर निगम शहर के नालों की सफाई का काम सही ढंग से नहीं करा रहा है। नाले में जमा गाद के कारण हल्की बारिश में ही नाला का पानी सड़कों पर आ जाता है, जो स्वच्छता के लिहाज से नुकसानदायक है। नगर निगम की लापरवाही का आलम यह है कि बरसात शुरू होने से पूर्व नालों की सफाई नहीं कराई जाती है और बारिश शुरू होने के बाद खानापूर्ति कर कागज पर सफाई कार्य को पूरा कर लिया जाता है। शहर के बरारी, आदमपुर, मिर्जानहाट, भीकनपुर, इशाकचक, सिथला स्थान जैसी कई स्थानों पर सड़कों पर नाले का पानी बहता है। नगर निगम की ओर से नियमित तौर पर फॉगिंग, साफ सफाई एवं जल निकासी की व्यवस्था नहीं किए जाने से अक्सर महामारी का खतरा शहर के लोगों को सताता है। वहीं नगर निगम के उपनगर आयुक्त SP वर्मा ने कहा कि नाला उगाही का कार्य जारी है और जल्द ही तमाम नालों की सफाई कर ली जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे गर्मी आने के बाद कम्बल का वितरण होता है, लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद खाद्य सामग्री एवं मास्क का वितरण होता है, उसी प्रकार बरसात खत्म हो जाने के बाद नाले की सफाई का कार्य भी नगर निगम द्वारा करा ही दिया जाएगा। नाला उड़ाही का कार्य हम लोगों का जब से लॉकडाउन था तब से चल रहा है, लेकिन उस समय जो हम लोग नाला उड़ाही का काम कर रहे थे उस समय में मेरे पास जो परमानेंट एक गैंग है हर एक जोन में उसे कर रहे थे, लेकिन समीक्षा के क्रम में पाया गया, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर ने हम लोगों के साथ बैठ के समीक्षा किया, उसमें पाया गया कि अभी भी बहुत सारे ऐसे नाले हैं जिसके उड़ाही करना बहुत आवश्यक है। उस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने तुरंत डिसीजन लिया और चार चार तीन तीन एक्स्ट्रा गैंग, कहने का मतलब 90-90 मजदूर प्रत्येक जोन में एक्स्ट्रा लगाया गया है, ताकि हम लोगों का समय पर जो है, जो बरसात तो लगभग आ चुका है, तो जो एक दो चार दिनों में 10 दिनों में जो बचे खुचे नाले हैं उसकी भी उड़ाही हो जाए। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बड़ी वारदात को अंजाम देने जुटे अपराधियों की योजना को पुलिस ने किया विफल, 6 अपराधी गिरफ्तार, 1 दर्जन बम बरामद। भागलपुर में चलती ऑटो से गिरे व्यक्ति को पिकअप ने रौंदा, हालत गंभीर, चालक गिरफ्तार। पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि को लेकर युवा कांग्रेस ने गाड़ी खींच कर जताया विरोध, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अविलंब नियुक्ति की मांग को लेकर पैनलधारियों ने किया प्रदर्शन, मांग पूरा नहीं होने पर आत्मदाह करने की दी चेतावनी। और बांका पुलिस ने ट्रक चालकों से लूटपाट करने वाले 3 अपराधी को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।